राजाराज चोल एक दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के महान चोल सम्राट थे जिन्होंने 985 सेकंड 1014 तक राज किया, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में चोल साम्राज्य की नींव रखी। वह व्यक्ति महान राजा के अलावा कोई नहीं है। कला और धर्म के संरक्षक, वह एक संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली भी थे। जब राजा शासक बने, उन्होंने दक्षिण की सीमा तक में दक्षिणी भारत और श्रीलंकन के राज्यों और पूर्वोत्तर में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उत्तर में चालुक्यों तथा दक्षिण में पंड्या से अनेकों युद्ध लड़े। उन्होंने दक्षिण पश्चिम में पारंपरिक चेरा विरोध का भी दमन किया। दक्षिण भारत का अधिपति बनने में उन्हें एक दशक से भी कम समय लगा। उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न जिलों में विभाजित कर दिया और व्यवस्थित भूमि सर्वेक्षण कर राजस्व संग्रह का मानकीकरण किया। अपने ही तरीके से उन्होंने सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने स्थानीय इकाइयों को भी स्वायत्तता की अनुमति दी। उनके सबसे बड़े कामों में से एक है तंजौर में शानदार राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, शक्तिशाली टावर 216 फुट और बेस पर पत्थर की मूर्ति चोल कला का बेहतरीन उदाहरण में से एक है। राजा के बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने सिंहासन संभाल और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण कर चोल साम्राज्य को और भी अधिक गौरवान्वित किया।